तो फिलहाल अभी हम जो है चौक वैली के अंदर चल रहे हैं, और रोड काफ़ी संकरा है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। देख सकते हैं आप, एक लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे जो है, आपको अभी मैं दिखाऊंगा, रिवर भी दिखेगी। ये जो है श्योक रिवर है, जो कि नूबरा वैली तक जाती है, और उससे फिर आगे की तरफ ये जो है पीओके की तरफ भी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी ये जाके सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो आप देख ही सकते हैं रोड कितना नैरो है यहाँ पर, और ये जो श्योक वैली है, काफ़ी यहाँ का जो रोड है काफ़ी छोटे रोड है, संकरीन है बिल्कुल। अगर सामने से गाड़ी आ जाती है तो हमें गाड़ी को साइड में ही लगाना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ खाई भी है, और तो इसलिए हम जो है अपना ध्यान से चला रहे हैं। और अभी हमारा यहाँ से जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है अघम। अघम मेरे ख्याल से मैंने लास्ट जो बोर्ड देखा था उसमें मेरे ख्याल से 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था, तो मुझे लगता है हम जो है 1 घंटे या 1.25 घंटे में जो है आराम से हम पहुंच जाएंगे। तो बाकी हम अघम में देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ से रास्ता कटता है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑफलाइन जो हमने मैप लगा रखा है, तो फ़िलहाल तो अभी वो अघम तक ही दिखा रहा है रास्ता यहाँ से। तो मिलते हैं आपको हम अभी आगे। यार जो आपको ये रेत दिख रहा है, जैसे नदियों में से निकलता है ना, तो वैसे ही इन पहाड़ों में से रेत निकलता है। जब बारिश होती है तो इसी के अंदर से पानी जो पत्थर को काटता है, और ये इस तरीके से रेत निकलता है। ये देखा होगा ऐसी नदियों में निकलता है, तो ये वही है पत्थर। तो ये पहाड़ों में से आप देख लीजिए, मैं देख रहा था बहुत देर से मैं कि ये जो ऐसा है रेता ही कहाँ से आ रहा है। तो अब दिखा मेरे को कि ये जो है इन पहाड़ों में से ही डायरेक्ट आ रहा है, पानी जो है पहाड़ को काट रहा है, वो चूरा चूरा हो जाता है। एक बार फिर हम जो है पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, और ये अब पहाड़ी पे हम अघम तक मेरे ख्याल से हमें ऊपर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि श्योक रिवर जो है हमारे राइट हैंड साइड में आ गई है। अभी हमने लास्ट में पीछे कोई 5-6 किलोमीटर पहले जो है एक ब्रिज क्रॉस करा था, जो कि श्योक रिवर पे बना हुआ था। तो अब हम लेफ्ट हैंड पहाड़ी पे आ चुके हैं, और श्योक रिवर हमारे राइट हैंड साइड में आप देख ही सकते हैं नीचे बह रही है। और मुझे लगता है कि अघम तक ये हमें जो है अभी फ़िलहाल पहाड़ी पे चलना पड़ेगा, और सॉरी चलना पड़ेगा। तो मिलते हैं अभी हम अघम में आपको। तो अघम में अभी जो एक पीछे बोर्ड भी गया था, तो बोर्ड में करीब 5-6 किलोमीटर लिखा हुआ था। चलिए मिलते हैं हम आपको अघम में। अब भैया हम अघम पहुंच चुके हैं, और ये श्योक के बाद
का गांव है अघम, और ये करीब 50 किलोमीटर के बाद आया। और बीच में कोई भी शॉप, एक बीच में थी शॉप मिली थी अभी 5-7 किलोमीटर पहले, इससे पहले ही, और बाकी व्यूज़ बहुत अच्छे भाई यहाँ पर। और अभी हम जो है अघम विलेज के अंदर से जा रहे हैं, और अघम विलेज हमारे राइट हैंड साइड में अभी पड़ेगा, और आगे ये टी जंक्शन बनता है, एक लेफ्ट हैंड पे जा रहा है ये आपका शक्ति, करू, करू के बाद उपसी भी निकल सकता है और ले भी, और हम फिलहाल राइट में जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंटीन, रेस्टोरेंट वगैरह सब बने हुए हैं। ये रिवर है एक छोटी सी, और इसके ऊपर ये पुल है, इसको हमने क्रॉस करा है, और पुल क्रॉस करने के बाद राइट हैंड साइड में हमने यहाँ से ले लिया, और ये जो है अघम गांव के अंदर से जाएगा रोड। और यहाँ पर हम मैंने देखा बाइकर्स इधर से शायद खारदुंगला होते हुए इधर से ही आते हैं जाते, और ये मेरे राइट हैंड साइड में जो है अघम विलेज है, और ये काफ़ी हरा भरा है इधर। और श्योक विलेज के बाद वैली में ये मैंने जो है पहला गांव देखा है जो कि 50 से 60 किलोमीटर के आसपास मुझे पड़ा है अघम श्योक के बाद। और यहाँ पर भी रोड जो है काफ़ी छोटा, और जगह जगह मैंने देखा है कि रेत जो है, जिसके लिए मैंने पीछे भी कई बार बता चुका हूँ, ये रेत जो है ऊपर से रोड पे आ जाती है, और इसकी वजह से जो आप देखिए यहाँ पर रोड पे आ रखी है रेत, और मुझे बाइक को बिल्कुल साइड करना पड़ा क्योंकि सामने वाले बाइकर्स नहीं निकल पाते, इसलिए मुझे साइड में करना पड़ा। और इस रेत में जो है बाइक जो है प्रॉपर चल भी नहीं पाती और थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाती है, इसलिए बाइक को मुझे रोकना पड़ा। और ये छोटे से इधर मंदिर बना रखा है गोम्पा जी, तो मंदिर है ये छोटा सा जो है। ये भाई ने जाम लगा दिया, ज़बरदस्ती गाड़ी आगे डाल दी, और पीछे ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए अब इस भाई को पीछे ही लेनी पड़ी गाड़ी, और तभी जाके ये ट्रैफिक निकला है वहाँ से। कि पहाड़ में जल्दबाजी ठीक नहीं है, जब आपको पता है आगे रास्ता छोटा है और नैरो है, तो गाड़ी को आगे ले जाना कुछ अकलमंदी तो नहीं थी, तो पहले ही रोक लेता पीछे, अपना भी टाइम ख़राब करा, दूसरों का भी टाइम ख़राब करा। तो ऐसे ड्राइव से जो है बचना चाहिए कि दूसरे को भी परेशानी ना हो और ख़ुद भी जो है आराम से चले। तो अभी हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है खलसर, चलिए मिलते हैं आपको। Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I've got it. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you. Somebody like me. तो देख सकते हैं यहाँ पर रोड कितना नैरो और पहाड़ी कैसे काट के इन्होंने रास्ता बनाया हमारे बीआरओ वालों ने, और पहाड़ हमारे बिल्कुल एक कैप की तरह ऊपर की आ रखा है हमारे सर।
और रोड भी काफ़ी संकरा है, और गाड़ी अगर सामने से आती है तो हमें जो है रुकना भी पड़ता है, और कई बार तो वो बिल्कुल गाड़ी को बिल्कुल साइड लगाना पड़ता है, इतना नैरो रोड जो है ये आगे है अगम से आगे की तरफ। और अभी जो आप देख सकते हैं ग्रुप बहुत आते हैं ये घारदुंगला की तरफ से, मोस्टली ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं। हाँ ये आप लेफ्ट में देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से जो पेड़ लगा रखे ये यहाँ पर है नहीं है, इन्होंने प्लांट इधर ट्रांसप्लांट करे कहीं और से ला के इधर लगाए हैं, क्योंकि ये एक रो में लगे हुए हैं लाइन से बिल्कुल, जनरली ऐसे जो है पेड़ लगते नहीं हैं क्योंकि ये मैन मेड द्वारा ही इधर लगाए गए हैं। और यहाँ पर देखो फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है, कोई एक ग्रुप है जिसका फ़ोटो शूट यहाँ पर हो रहा है, और आगे भी हमने देखा आगे भी ऐसे एक ग्रुप है राइट हैंड साइड में, यहाँ कुछ खड़े हैं कुछ ये लोग खड़े हैं। तो इधर ज़्यादातर आके अपना लोग वर्क शूट करते हैं, क्योंकि ऊपर घारदुंगला से लोग वर्क जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ आके रिलैक्स भी करते हैं, और यहाँ इतना कोई ट्रैफिक का मेजर इशू है नहीं जो कि किसी को परेशानी भी हो। तो और ये देख सकते हैं ब्रिज कितना बढ़िया है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से क्रॉस वाटर क्रॉसिंग थी उसके ऊपर से ये ब्रिज बना है। तो हाँ मैं आपको नैरो रोड के लिए बता रहा था, तो ये देखिए आपने वैन चल रही कितना नैरो रोड है, और हम यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़े हुए थे, और ये लेफ्ट हैंड पे जो आपको इनोवा दिख रही है यहाँ पर एक अदर स्टेट की गाड़ी थी जो बिल्कुल नाड़ी ड्राइवर था एक तरीके से, जिसने इनोवा लेके विचार की गाड़ी को पहाड़ पर चढ़वा दिया और उसका डैमेज भी हो गया था। तो अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो कृपया करके जो है कोई वेल ट्रेंड ड्राइवर लेके आ जाइए, जिससे कि दूसरों को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं अभी हम खलसर में, जो कि कुछ ही टाइम में शायद फाइनली खलसर करीब 5 से 6 किलोमीटर रह चुका है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक रास्ता कटेगा जो कि एक खलसर की तरफ जाएगा और जो है दूसरा खारदुंगला की तरफ। तो फाइनली हमें जो है ये रोड जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये खलसर की तरफ जा रहा है, और जो सीधा रोड है ये आपका लेह लद्दाख खारदुंगला की तरफ जा रहा है। अभी ये भैया हमसे कुछ पूछ रहे हैं, शायद या हमसे जो है पेंगोंग का रास्ता पूछ रहे थे, तो हमने बोला इसी रोड पर आप बिल्कुल सीधे चले ये पेंगोंग जाता है, और ये हमारे राइट हैंड साइड में देख लीजिए श्योक रिवर है, और इसमें राफ्टिंग भी हो रही है जो कि खलसर से कराई जाती है।
ये आपका जो रास्ता है सीधा सियाचिन बेस कैंप की तरफ जाता है, जहाँ पर तापमान जीरो जीरो से 50 डिग्री नीचे चला जाता है, और ऐसे में भारतीय सैनिक वहाँ पर मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। और सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। और मैं आपको एक जाबाज सिपाही की भी कहानी बताता हूँ, जिनका नाम है ओम प्रकाश बाबा, जिनको आप ओपी बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आज भी ओम प्रकाश बाबा जो है अपने भारतीय सैनिकों की रक्षा करते हैं, और सरहद की भी यहाँ पर जो है रक्षा करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड पे एक रास्ता जा रहा है डिस्ट्रिक्ट के लिए, और ये जो सीधा जाता तो ये आपका सियाचिन बेस कैंप की तरफ चला जाता। यहाँ पर ये टी जंक्शन पे आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा यहाँ पर, और वैसे तो डिस्ट्रिक्ट में भी जो है पेट्रोल पंप है। और उस रास्ते पे अगर हम जाते तो हमें सुमूर मिलता, पैनामिक हॉट स्प्रिंग भी मिलता, और आपका जो है आपका वासी विलेज भी मिलता। ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। पैनामिक हॉट स्प्रिंग में जो है गर्म पानी भी निकलता है, वहाँ पर लोग बाग आते हैं, काफ़ी सुंदर भी है घाटी भी, और साथ में जो है आपका वहाँ लोग अपना जो हॉट स्प्रिंग वाटर है उसमें लोग बाग नहाते भी हैं वहाँ पर आके, क्योंकि वहाँ के लोकल्स लोगों ने वहाँ पर नहाने के लिए अरेंजमेंट कर रखा है, और वो कुछ चार्जेस लेते हैं। और आपको वहाँ पर जो है नॉर्मल पानी और हॉट स्प्रिंग वाटर में नहाने का इंतजाम भी करते हैं। तो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये आपका जो आपका नुब्रा वैली है पूरी। तो ये जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं और ये आपको घाटी दिख रही होगी, ये पूरी नुब्रा वैली है। और जो सामने पहाड़ है उसके राइट हैंड साइड से जो वैली दिख रही है, वहाँ से आती आती नुब्रा नदी, जो कि श्योक नदी में आकर मिलती है। और वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है उसी पॉइंट पर आकर नुब्रा नदी जो है श्योक नदी में आकर मिलती है, जो इसकी सहायक नदी है जो नुब्रा घाटी में है। और ये आगे जो है पीओके की तरफ चली जाती है, गिलगित बल्तिस्तान में प्रवेश करती है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो यहाँ पर आकर दोनों नदी जो है मिल जाती है, और इस जगह का नाम है यांगुलंग, जो शायद कोई विलेज है। और यहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं आपस में, रिवर और आपका श्योक रिवर का जो है संगम है, और दोनों एक दूसरे में मिल जाती है। लेकिन ये इस नदी का नाम यहाँ से आगे भी श्योक नदी ही कहलाता है, क्योंकि श्योक नदी की गहराई ज़्यादा है, इसलिए उसको श्योक नदी कहते हैं। क्योंकि जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है और जिसकी गहराई ज़्यादा होती है उस पॉइंट पे, तो उसी नदी का नाम जो आगे कंटिन्यू रखा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में जो है पूरी वैली है, और यहाँ पर श्योक वैली में जो है काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ भी दिखेंगे। और अब हम थोड़ी ही देर में जो है आपका डिस्किट जो है पहुंचने वाले हैं, डिस्किट विलेज, और हम आपको दिखाएंगे बुद्धा स्टैचू की मूर्ति, और साथ में दिखाएंगे मोनेस्ट्री। तो अभी फ़िलहाल मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। फिलहाल हम जो है आपका डिस्किट में पहुंच चुके हैं, और जो ये आपने पीछे रास्ता देखा था ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपका गोम्पा की तरफ जा रहा था रास्ता। फिलहाल हम तो अपने लिए अरे रूम देखते हैं, वहाँ पर हम फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे धोएंगे, और उसके बाद जो है हम गोम्पा की तरफ। तो फिलहाल हम जो है निकल चुके हैं बुद्धा स्टैचू की तरफ। अभी हम जो है होटल से बाहर निकल रहे हैं, और हम यहाँ से लेंगे राइट, जो कि बुद्धा स्टैचू यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, और हमारे होटल से भी बुद्धा स्टैचू जी जो है आसानी से दिखते हैं। अभी कैमरे में शायद
नहीं शो हो पा रहे, लेकिन उनकी मूर्ति जो है हमारे जो बुद्धा जी की जो मूर्ति है वो हमारे होटल से साफ साफ बिल्कुल दिखाई देती है। तो यहाँ के देखो आप कितने अच्छे पहाड़ हैं और कितने अच्छे सुंदर पेड़ों के दोनों तरफ पेड़ हैं और उसके बीच से कितना बढ़िया रास्ता। और ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका बुद्ध स्टैचू के लिए रास्ता जा रहा है। हमें थोड़ा सा बैक आना पड़ा क्योंकि हमने होटल आगे लिया था और यहाँ से हम राइट लेंगे और नीचे अगर हम लेफ्ट ले लेते तो हम वापस खलसर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड पे ले लिया है बुद्धा स्टैचू की तरफ। जो बुद्धा स्टैचू की जो मूर्ति है वो करीब 104 फीट ऊंची है और डिस्ट्रिक्ट गांव जो नुब्रा घाटी के शोक नदी के ऊपर पहाड़ों में स्थित है। और इस मठ की समुद्र तल से जो ऊंचाई है करीब 10,500 फीट है। और यह मठ जो है लद्दाख में जो है सबसे पुराना मठों में से माना जाता है, जो कि करीब 350 साल पुराना बताया जाता है। और इस मठ में करीब करीब 100 बौद्ध भिक्षु जो हैं निवास करते हैं, जो कि अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो है रहते हैं। इस मठ के अंदर तिब्बती वास्तुकला काफ़ी दिखती है और अंदर तरह तरह के जो है तिब्बती चित्रकार भी काफ़ी हमने देखे थे और काफ़ी हमें अच्छे भी लगे। और डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री में एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि देश समोच है, जिसे फरवरी में काफ़ी जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस त्यौहार को देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है देश विदेश से जो है सैलानी आते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा त्यौहार जो काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट भी करा जाता है। और मैं आपको ये दिखा रहा था, ये रास्ता जो है लेफ्ट हैंड पे जो है आपका बुद्धा स्टैचू की तरफ जाता है और राइट हैंड साइड में आपका जो डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री की तरफ ऊपर की तरफ जाता है। दोनों रास्ते थोड़ा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ही है। तो अभी फ़िलहाल हम जो है डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री में पहुंच चुके स्टैचू की तरफ जा रहे हैं सॉरी। और यहाँ से हमने फिर दोबारा लेफ्ट लिया और हम यहाँ पर आगे जो है बाइक को पार्किंग में लगाएंगे और उसके बाद हम जो है बुद्धा स्टैचू की तरफ चलते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। तो भैया हम पहुंच गए हैं अभी डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री है ये बिल्कुल सामने और अभी हम यहाँ जाएंगे अभी। तो वहाँ उससे पहले हम जो आपको दिखाते हैं ये जो गोम्पा है जी है ऊपर बुद्ध महाराज जी, तो इनके यहाँ जाएंगे अभी हम ऊपर। और ये देख लीजिए क्या व्यूज़ है। और अभी जो हम ऊपर जाके भी गोम्पा के पास आके एक छोटा सा वीडियो वहाँ भी बनाते हैं। गोम्पा के हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। ये दिखाते हैं, ये इधर से ऐसे स्टेयर से और ये जाके इधर चलते हैं, मिलते हैं अभी ऊपर। तो हम पहुंच चुके हैं बुद्धा स्टैचू के पास, बौद्ध भगवान की मूर्ति के पास। और ये सामने जो आपको दिख रहे हैं ये घर, ये डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री है। और यहाँ से बुद्धा स्टैचू के नीचे चरणों की तरफ से हम जो है घाटी देख रहे हैं और कितनी सुंदर लग रही है, काफ़ी सुंदर घाटी है। और बुद्धा स्टैचू तो मुझे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और तो सामने आपको जो है बुद्धा स्टैचू की मूर्ति दिख रही है, जो कि हम
डिस्किट मोनेस्ट्री के पास आके हम यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यहाँ का लैंडस्केप देखिए कितनी सुंदर घाटी नुब्रा वैली लग रही है हमें। और डिस्किट मोनेस्ट्री में जो है थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, बस यहाँ तक ही हमें अलाउ है। तो भैया हम जो अपने होटल में आ चुके हैं और आपको मैं अपना होटल दिखा देता हूँ, निशान को ज़रूर दिखाऊंगा भाई, इसके बगैर तो कुछ बात बनता ही नहीं है। ये लीजिए। हाँ भाई निशान, कैसा है, कैसा दिन रहा आज? स्किट तक पहुंचना आज बहुत अच्छा अचीवमेंट हमारा दोबारा से रहा, मोनेस्ट्री का हम ऊपर दर्शन करके आए। वो उधर पहाड़ के पीछे, तो आज जो है दोनों गोम्पा और मोनेस्ट्री दोनों करके आए अभी, और पेंगोंग से सीधे इधर बीच में रुकते रुकते हुए, और अभी अंदर चलते हैं आपको अपना रूम दिखाते हैं। हमने फैला रखा है सारा इस तरीके से हमारा, और अभी जो है सब फैला रखा है हमने, तो खाने का सामान हमने स्टार्ट रख दिया है। ये रहे हमारे चावल और साथ में हम बनाएंगे दाल, आज दाल चावल खाएंगे हम खुद। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस समय हमें है डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री के अंदर, मोनेस्ट्री के अंदर नहीं, डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री पे।